नाज़रीन मुकर्रम, आपका खैर मकदम है एआरवाईक्यू टीवी पर आज की शाने लैलतुल कद्र में। रमजान करीम का आखिरी अशरा, नजात का अशरा, जहन्नम से आजादी का अशरा, हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का अल्लाह की रहमत से, बख्शिश से, मगफिरत से अपनी झोलियां भरने का महीना। रमजान की जाती हुई साहतें हैं, आज 25वीं ताक शब है। मुमकिन तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत फजल फरमाने पे आए तो आज शब कद्र हो सकती है। रहमतों के खजीने इस रात में अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों पर इनायत करता है। हजार महीनों की इबादत से बेहतर रात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद इसे करार दिया। कैसी मुबारक, कैसी पाकीज़ा और कैसी बरकतों वाली रात होगी जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शब कद्र करार दिया। अल्लाह करे कि इस रात के फ़ैज़ात और बरकात में से हम फकीरों को भी कुछ हिस्सा नसीब हो जाए। हाजरीन नाज़रीन मुकर्रम और हाजरीन मोहतरम, हमें अपने चंद ही वकार मेहमानों को खैर मकदमी कलिमात उनकी खिदमत में अर्ज करते हुए नात की मुबारक नशिस्त को आगे बढ़ाना है। मैं सबसे पहले खुशामदीद कहूंगा और सभी में कल्ब से खैर मकदम करूंगा, मोहब्बत के वसी जज्बों के साथ अपने इंतहाई मुकर्रम, मुक्तदर और मोहतशम मेहमान। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दीन मतीन की खिदमत इनके हवाले की है, दीन मतीन का खादिम भी बनाया है, उलमा का और दीगर दीन के हलकों का खादिम भी इन्हें बनाया है, और दीन मदीन की खिदमत जिस तरह अल्लाह इनसे ले रहा है वो इनका हिस्सा है। मेरी मुराद हमारे आज के इंतहाई मुक्तदर मेहमान वफाकी वजीर मजहबी उमूर मोहतरम मुकर्रम मोहतशम जनाब अल्लामा पीर नूरुल हक कादरी साहब, ज़ीदा मजदहू ज़्यादा शरफ़ो। आप तशरीफ लाए, उन्होंने ज्वाइन किया, मैं पीर साहब किबला का खैर मकदम करूंगा। हजरत खुश आमदेद और इंतहाई शुक्र गुजार हम सारे आपके यहाँ तशरीफ आवरी पर। हमारे मुकर्रम मेजबान जिनकी मोहब्बतें, जिनकी इनायतें और शफकतें हमेशा हमारे सरों पर एक छत की तरह कायम रहती हैं, सजादा नशीन दरबारे आलिया मोहम्मदिया ईदगाह शरीफ हजरत किबला पीर हाफिज मोहम्मद नकीबुर रहमान साहब दामत बरकातुम उलालिया। आप तशरीफ लाए, मैं किबला पीर साहब का भी खैर मकदम और आपकी इनायत का हम अदम मशकूर ममनून। इनके साथ हमारे इंतहाई मोहतरम और शफीक बरादर मोहतरम जनाब साहबजादा अदनान कादरी साहब तशरीफ लाए, मैं अदनान भाई आपका भी खैर मकदम करता हूँ। और अर्ज वतन के आलमी शोहरत याफ्ता सना खान रसूल फैसलाबाद की मरदमखे सरजमीन से हमारे इंतहाई मुकर्रम मेहमान जनाब प्रोफेसर अब्दुल रऊफ रूफी साहब तशरीफ लाए, रूफी साहब आपका भी खैर मकदम। और इनके साथ जनाब काशिफ रूफी, जनाब इसरार अहमद रूफी, मोहम्मद शाहजेब और अकील अहमद टीम के मेंबर्स हैं, आप सारे जवानों को खैर मकदम। चंद नातिया कलिमात बारगाह ताजदार कौनो मकां अलैहि तहियत व सना की बारगाह में नजर करने के बाद हमें रूफी साहब से नात के लिए गुजारिश करनी है। आज की पकीजा शब में जनाबी डॉक्टर जफर इकबाल नूरी के ये खूबसूरत और कीमती कलिमात समात कीजिए, आका करीम की चंद पाकीज़ा सिफात का जिक्र। वो करम भी क्या करम है, वो अता भी क्या अता है, मैं अपने ऐवान की दुआ और तवज्जो का भी तालिब। वो करम भी क्या करम है, वो अता भी क्या अता है, जो गदा को ढूंढती है वो सखा भी क्या सखा है। रूफी साहब किबला, वो करम भी क्या करम है, वो अता भी क्या अता है, जो गदा को ढूंढती है वो सखा भी क्या सखा है, जो गदा को ढूंढती है वो सखा भी क्या सखा है, और तेरे बोलने से पहले जिसे रब कबूल कर ले। मेरे आका तेरे बोलने से पहले जिसे रब कबूल कर ले, मैं फिदा तेरी दुआ के, वो दुआ भी क्या दुआ है। जिसे बोलने से पहले, जिसे बोलने से पहले, तेरे बोलने से पहले जिसे रब कबूल कर ले, मैं फिदा तेरी दुआ के, वो दुआ भी क्या दुआ है। आखिरी शेर समाप्त कीजिए। तेरा बार बार उठता यूं खुदा है चेहरा तकता, तेरा बार बार उठता यूं खुदा है चेहरा तकता, जो अदा खुदा को भाए वो अदा भी क्या अदा है, जो अदा खुदा को भाए वो अदा भी क्या अदा है। वो करम भी क्या करम है, वो अता भी क्या अता है, जो गदा को ढूंढती है वो सखा भी क्या सखा है। हमें बढ़ना है अर्ज वतन के उस जीवकार की तरफ, नात जिनका हवाला, नात जिनकी पहचान,
नात जिनकी सआदत और दीन दुनिया में नात ही इनकी ज्यादा राह है, दुनियाए नात में जाना पहचाना इंतहाई मोहतरम नाम। हमारे मुशफिक मेहरबान जनाब प्रोफेसर अब्दुल रऊफ रूफी से मुलतजी हूँ कि आप नातिया जमजमा अपने करीम आका की बारगाह में पेश करने की सआदत पाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ कि पीर साहब ने मुझे मदऊ किया। नात अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हवाला है, मगर नात को अदब से और उसको किस सलीके से पढ़ना है वो इसी ईदगाह शरीफ से हमें मिला है। सुभान अल्लाह, ये दरस सबको यहाँ से मिलता है और हमें भी मिला है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खुसूसी तौर पे कंटेंट जो है वो कैसा होना चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला, मैं तो यहाँ जब भी आता हूँ यहाँ से बहुत कुछ समेट के जाता हूँ, बहुत कुछ सीख के जाता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे हमारे पीर नूरुल हक साहब और पीर नकीब रहमान साहब ऐसे हस्तियों का साया तादेर अहले सुन्नत पे सलामत रखे। आमीन। मैं आगाज कर रहा हूँ बिस्मिल्लाह कसीदा बुर्दा शरीफ से, नहायत खूबसूरत। Yeah.
سيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى
हसन नसीब वर्मा साहब को खुश आमदीद कहता हूँ। आप तशरीफ लाए, हमारे इस महफिल का जो है वो एक रूहानियत और बढ़ती हुई नज़र आई अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अब आपके सामने सैयदना अबू तालिब का लिखा हुआ कलाम पेश कर रहा हूँ तर्जमे के साथ। والله لن يصلوا إليك بجمع والله I'm
सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या करम है आका ये सब ये आका 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 करम है आका ये सब ये एक एक गुना वो भी बसत पे जो हम में था एक एक गुना वो भी बसत पे जो हम में था मैं फिर भी उस करीम की नजरे करम में था बस आसरा यही है
तेरी
انشاءاللہ بارک اللہ جزاک اللہ خیر رفی صاحب سدا سلامت رہے